हेलो गाइस वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग आज का जो मेरा वीडियो है ये होली लुक के बारे में है होली इज राउंड द कॉर्नर तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक होली लुक क्रिएट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए सो विदाउट फर्दर वेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो मैंने अपने बालों को ऊपर टाई कर लिया है और ड्रेस भी पहन लिया है होली में जनरली हम लाइट कलर या सटल कलर्स ही पहनते हैं तो मैंने उसी हिसाब से पहन लिया है यहाँ पे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद मैं एक लिप बाम से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी नेक्स्ट मैं सेस ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ ये एक टेंटेड प्राइमर है और इसको लगाने से एक शाइन आ जाता है फेस पर तो इसको हम जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं इसके बाद हम एक ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे डैप टैप के मोशन में इस ब्लेंडर को पहले मैंने वॉश करके अच्छे से निचोड़ लिया था इसके बाद हम एक फाउंडेशन लेंगे और इसको अगेन एक से दो ड्रॉप अपने हैंड पे लेकर के पूरे फेस पे अप्लाई करके और ब्लेंडर से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे स्टेप में हम एक कंसीलर लेंगे और इसके आईज के अराउंड अप्लाई कर लेंगे इसको अच्छे से एक ब्लेंडर से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आके एरिया है हमारे फ़ेस पे तो उसको भी हम कंसील कर लेंगे यहाँ मैं स्टेक वर्की का लूज़ पाउडर ले रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पर पहले अपने आई एरिया पर अप्लाई करेंगे क्योंकि हम आई मेकअप करेंगे पहले सबसे पहले हम अपने आई को सेट कर लेंगे और एक आई पेंसिल की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ कर लेंगे आज मैं अपने आई लुक को क्रिएट करने के लिए तीन आई शेड आई शेडो पैलेट का हेल्प लूँगी पहले इस पैलेट के हेल्प से इसका जो ट्रांजेक्शन शेड है इससे मैं बेस रेडी करूँगी इस ब्रश के मदद मतलब से पहले इसको प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं इसके बाद इस पैलेट में से मैं लाइट ब्लू कलर लूँगी जो कि मेरी ड्रेस से थोड़ा मैच करे और आइज़ के आउटर कॉर्नर पे इसको सबसे पहले प्लेस करूँगी और उसके बाद इसको ब्लेंड करूँगी नेक्स्ट मैं इस पैलेट में से एक शिमर शेड लूँगी पिंक कलर का यहाँ पे मैं ब्लू और पिंक से आई शेडो लुक क्रिएट करने वाली हूँ आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ तो ये पिंक शेड को मैं अगेन प्लेस करके फिर से इसको अच्छे से मर्ज करूँगी पहले फिंगर से और उसके बाद एक ब्रश के हेल्प से मर्ज करूँगी इसको दूसरी आई पे भी मैं सेम आ, लुक क्रिएट करूँगी इसके बाद मैं आई एक आई के हेल्प से आई कर लूँगी और फिर ब्लू शेड ले के काजल के नीचे वाले एरिया में अप्लाई कर लूँगी इसके बाद मैंने लिया है ये एक ब्लू शेड का काजल और इसी को मैं इसी से मैं आज काजल लगाऊँगी नेक्स्ट मैं मस्कारा लेकर के आईलाशेज़ पे अप्लाई कर लूँगी इसके बाद मैं सेम स्टेक वर्की का लूज़ पाउडर को अपने पूरे फेस पर एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर लूंगी ये हमारे मेकअप को पूरी तरीके से सेट कर देगा फिर इस पैलेट में से ही हम ये वाला शेड लेंगे इससे हम अपने फेस को कॉन्ट्रोल करेंगे कॉन्ट्रोल हमारे फेस पे शेडोज़ क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि जैसे कि मेरे चबी चीक्स हैं तो ये थोड़े से स्लिम लगेंगे जॉ लाइन पर भी हम अप्लाई कर लेंगे इसके बाद हम एक ब्लेंडर या फिर ब्रश जिससे भी हम कंफर्टेबल हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है सो so, इसको पेशेंस के साथ करें अगर हम चाहें तो अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं मैं नहीं कर रही इसके बाद में स्विस ब्यूटी के ब्लश से अपने चीक बोन एरिया को ब्लश कर लूँगी नेक्स्ट मैं हाइलाइटर से अपने जितने भी हाइलाइटेड एरिया हैं सभी को हाईलाइट कर लूँगी नोज़ पर फोरहेड पर क्यूपेड एरिया पर और नीचे जॉब पर इसके बाद मैं लिप बाम से अपने लिप्स को फिर से मॉइस्चराइज करके थोड़ा सा लूज़ पाउडर अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी और पिंक शेड के लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी आज मैं लिपस्टिक को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और मैं एक दो कोट ज़्यादा ही अप्लाई करूँगी इसके बाद मैं एक बिंदी अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेरे ड्रेस से मैच करेगा और मैं यहाँ पर आ, आ, भूल गई थी हाईलाइट करना अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ को तो मैं उसको कर रही हूँ और आईब्रोज़ के नीचे वाले एरिया को भी हाईलाइट कर रही हूँ इसके बाद मेरी जो भी ज्वेलरी वगैरह है लाइक ईयर एंड बैंगल्स ये सारी चीज़ें मैं पहन लूँगी और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सिंदूर अप्लाई कर लूँगी ये मेरा फाइनल लुक है सो so, कैसा लगा आपको आज का मेरा होली मेकअप ट्यूटोरियल अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर